हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी चैप्टर नंबर 7 वाटर के बारे में। हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका फ्रेश एंड स्लाइन वाटर के बारे में। तो वाटर ऑन अर्थ इज़ फाउंड इन ओशन, सीज, रिवर, लेक, आइस की, ग्लेशियर एक्सट्रा। जो हमारे अर्थ पे जो वाटर पाया जाता है, कहाँ पे? ओशंस में, सीस, रिवर, लेक्स, आइस केप, ग्लेशियर एक्स्ट्रा। द वाटर अवेलेबल ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज टू काइंड। तो वो वाटर जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है, जो दो किस्म के होता है, एक फ्रेश वाटर, दूसरा स्लाइन वाटर। फ्रेश वाटर कंटेन वेरी लिटिल डिजॉल्व साल्ट। तो फ्रेश वाटर में कम डिजॉल्व साल्ट होता है। और ऑल दो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, ओनली 3% ऑफ दिस वाटर इज़ फ्रेश। तो आपको पता है हमारे अर्थ पे 3/4 अर्थ जो है कवर किया गया है वाटर से, उसमें से खाली 3% जो है हमारा क्या है, फ्रेश वाटर। ऑफ दिस 2% इन द फॉर्म ऑफ आइस केप एंड ग्लेशियर। तो तीन में से फ्रेश वाटर जो है वो 3% है। तो 3% में 2% जो है फ्रेश वाटर पाया जाता है आइस केप और ग्लेशियर्स के फॉर्म में। एज अ रिजल्ट वी आर द लेफ्ट विद ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर फॉर आवर यूज़। तो उसमें से खाली 1% बचता है, जो 1% फ्रेश वाटर बचता है जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ आर सरफेस। जो फ्रेश वाटर जो पाया जाता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो फॉर्म ऑफ वो वाटर सरफेस वाटर में, जैसे कि रिवर या लेक्स, और ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, और वाटर वेपर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ द अर्थ। तो फ्रेश वाटर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे अर्थ पे। इट इज़ द अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ ड्यू टू द डिफरेंस इन क्लाइमेट कंडीशन। ये जो फ्रेश वाटर जो है वो अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट, अर्थ के अलग अलग जगहों पे अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। जैसे कि फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन मोर रीजन वेयर द प्रेसिपिटेशन इज मोर देन द इवेपोरेशन। तो फ्रेश वाटर जो है उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे मोर फ्रेश वाटर उस जगह पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है इवेपोरेशन से ज़्यादा हो, एंड जहाँ पे कम पाया जाता है वेयर इवेपोरेशन इज मोर इन द प्रेसिपिटेशन। जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन जो है वो कम होता है, तो उसमें फ्रेश वाटर जो है वो कम पाया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका स्लाइन वाटर। ओशन कंटेन 97% ऑफ टोटल सरफेस वाटर बट इज द स्लाइन। तो हमारा 97% जो है टोटल सरफेस पे 97% जो है वो वाटर पाया जा वाटर वाटर होता है टोटल सरफेस, बट इट इज़ इन द स्लाइन। तो वो लेकिन वो क्या होता है, वो नमकीन होता है। 97% वाटर जो है वो क्या होता है, स्लाइन होता है। ओशन वाटर इज साल्टी एंड देयरफॉर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओशन वाटर साल्टी होता है, नमकीन होता है, जो हमारे लिए पीने के लिए फिट नहीं होता है। ओशन वाटर कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ डिजॉल्व साल्ट, मोस्टली सोडियम क्लोराइड। तो ओशन वाटर में साल्ट डिजॉल्व होता है, मोस्टली सोडियम क्लोराइड उसमें होता है। अप्रॉक्सीमेटली एवरी 1000 ग्राम ऑफ ओशन वाटर कंटेन 35 ग्राम ऑफ डिजॉल्व साल्ट। तो 1000 ग्राम ऑफ ओशन वाटर में 35 ग्राम जो है साल्ट डिजॉल्व होता है। द अमाउंट ऑफ साल्टी वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू द अनदर। तो जो साल्ट वहाँ पे डिजॉल्व होता है या पाया जाता है, वो अमाउंट जो है वो डिफरेंट होता है एक पार्ट ऑफ ओशन से दूसरे पार्ट में। इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, जो कि अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। फर्स्ट जो है द हायर रेट ऑफ इवोपरेशन द ग्रेटर स्लान्टी। तो रेट ऑफ इवोपरेशन, जिस जगह पे इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे साल्ट जो है, स्लान्टी जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इवोपरेशन जिस जगह पे ज़्यादा होगा
तो वहाँ से वाटर वेपर जो है ज़्यादा निकलेगा, तो वहाँ पे साल्ट जो है वो बच जाता है, जिसपे सलांटी जो है वो ज़्यादा नमकीन हो जाता है। बेस्ड ऑन दिस द ट्रॉपिक ट्रॉपिकल रीजन हैव हाई सलांटी व्हाइल द पोलर रीजन हैव लो सलांटी, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा नमकीन होता है और पोलर रीजन्स में लो सलांटी होता है। तो नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ फ्रेश दैट इज एडेड इन द ओशन। तो दूसरा फैक्टर ये है, जितना आपका फ्रेश वाटर ऐड होता है ओशन में, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट एडेड इन द ओशन। द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंसेस हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा रेनफॉल होता है हर साल। रिवर लाइक जैसे कि अमेजॉन एंड कोंगो एड लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इन द ओशन। तो अमेजॉन और कोंगो में ज़्यादा फ्रेश वाटर ऐड होता है ओशन में। दिस डाइल्यूट मच इट्स स्लैंडनेस। तो इसमें जो है डाइल्यूट हो जाता है ये जो फ्रेश वाटर जो है उस साल्टनेस में क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। देयर फॉर द वाटर ऑफ ओशन इज रिजन आर लेस स्लाइन। तो इसी की वजह से वहाँ पे जो पानी ओशन में जो पानी है वो कम लेस लाइन होता। तो लास्ट वन आपका इनक्लोज सी, सी विच आर द प्लेंटी आर कम्प्लीटली इनक्लोज। फॉर एग्जाम्पल द डेड सी हैव द हाई सलांटी, जैसे कि सी जो कि कम्प्लीटली इनक्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल डेड सी जिसमें सलांटी जो है सलांटी जो है वो ज़्यादा नमकीन जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द वाटर ऑफ सी डज नॉट मिक्स फ्री विद द ओशन वाटर। क्योंकि ये जो वाटर जो है वो फ्रीली मिक्स नहीं होता है ओशन वाटर के साथ। इन ओपन सीज करंट फ्लो फ्रीली, तो ओपन स्पेस में करंट जो है वो फ्रीली मूव करता है, फ्लो करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी जो है वो स्लांटी लो स्लांटी हो जाता है। तो नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।